नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आपका ऑनलाइन व्याख्यान में आज एक बार फिर स्वागत करता हूं। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए जो सेशन चल रहा है उसमें हम जो सैद्धांतिक पेपर प्रथम है उसका यूनिट फिफ्थ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत संगीतकारों का जीवन परिचय तथा उनका संगीत के क्षेत्र में योगदान, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने अमीर खुसरो और स्वामी हरिदास के विषय में चर्चा की। आज हम अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कलाकार सितार वादक पंडित रविशंकर के विषय में बात करेंगे। आप सब लोगों ने उनका नाम सुना ही होगा, अवश्य सुना होगा, और उनका सितार वादन भी सुना होगा। उनके बारे में आज हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कलाकार तथा शीर्षस्थ सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल सन 1920 में वाराणसी में हुआ। आपके पिता डॉक्टर श्याम शंकर अपने समय के अच्छे विद्वान, संगीत प्रेमी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। सुसंस्कृत वातावरण में जन्मे पंडित रविशंकर 4 भाइयों में सबसे छोटे और पंडित उदय शंकर ज्येष्ठ थे। आपके पिता तथा बड़े भाई पंडित उदय शंकर को नृत्य से विशेष प्रेम था। बाल्यावस्था में उनका प्रभाव आप पर पड़ा और आपकी संगीत शिक्षा नृत्य से प्रारंभ हुई। 18 वर्ष की आयु तक आप अपने बड़े भाई पंडित उदय शंकर की नृत्य मंडली में नृत्यरत रहे। 1935 में आपका परिचय उस्ताद अलाउद्दीन खां साहिब से हुआ। वह बालक रवि की संगीत के प्रति लगन और प्रतिभा से प्रभावित हुए। उन्होंने सितार सीखने की सलाह दी। सन 1938 में पंडित रविशंकर अलाउद्दीन खां के पास सितार सीखने के लिए मेहर आ गए। कठिन तपस्या, निष्ठा और श्रद्धा के साथ पंडित रविशंकर ने अलाउद्दीन खां से 6 वर्षों तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आप सन 44 तक संगीत की शिक्षा ग्रहण करते रहे और एक कुशल कलाकार बने। उस्ताद अलाउद्दीन खां का शिष्यत्व पाकर आप सितार वादन में पूर्णतः दक्ष हो गए। 1945 में आपको इंडियन नेशनल थिएटर द्वारा निर्मित डिस्कवरी ऑफ इंडिया के संगीत निर्देशन का कार्यभार दे दिया गया, जिससे आपको बहुत अच्छा काम मिला। आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से वाद्य वृंद के निर्देशन के लिए आमंत्रित किए गए। आपने इस पद को स्वीकार कर आकाशवाणी की अनेक वाद्य वृंद रचनाएं की तथा राष्ट्रीय वाद्य वृंद के प्रमुख संचालक के रूप में कार्य भी किया। सन 1956 में आकाशवाणी की नौकरी को त्याग कर विदेशों में भारतीय संगीत का प्रचार करने के लिए आप रवाना हो गए। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, बेल्जियम इत्यादि अन्य देशों में अपना प्रदर्शन देने के अतिरिक्त आपने रेडियो और टेलीविज़न पर संगीत संबंधी वार्ताएं और कार्यक्रम भी दिए। विदेशों में भारतीय संगीत को
लोकप्रिय बनाने के लिए आपने संगीत कार्यक्रमों तथा भाषणों द्वारा वहाँ की जनता में भारतीय संगीत के प्रति रुचि पैदा की और संगीत विद्यालयों की स्थापना भी की। पंडित रविशंकर ने भारतीय वृंद वाद्य वृंद को नवीन आयाम दिया। भारतीय व पाश्चात्य वाद्यों के सम्मिश्रण से तैयार आपकी वाद्य वृंद रचनाओं में शास्त्रीय सुगम व लोक धुनों पर आधारित रचनाएं मिलती हैं। संगीत शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आपने काशी में रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स रिम्पा की स्थापना की। बाद में इस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर रविशंकर इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजिक कर दिया गया। पूर्व में काशी में स्थापित इंस्टीट्यूट में हर साल लगातार 3-4 दिनों का संगीत सम्मेलन होता था, जिसमें पंडित रविशंकर स्वयं भाग लेते थे और प्रसिद्ध कलाकारों को सुनने का संगीत प्रेमियों को अनूठा मौका मिलता था। आपकी व्यापक शिष्य मंडली व उनके प्रशंसक देश विदेश से यहाँ आते थे तथा समारोह में संगीत कार्यशाला का लाभ उठाते थे। पंडित रविशंकर को सन 1967 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डे पर कार्यक्रम देने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ उन्होंने स्वतंत्र सितार वादन किया और विश्वविख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ मिलकर अपनी एक रचना भी प्रस्तुत की। उन्होंने उत्तर और दक्षिण को निकट लाने का साहसिक एवं सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने स्वयं दक्षिणात्य रागों को अनेक बार मंच पर प्रस्तुत किया, जिसमें राग चारुकेशी, राग किरवाणी, राग जन सम्मोहिनी इत्यादि प्रमुख हैं। इसी प्रकार उन्होंने रसिया, तिलक श्याम, नट भैरव, मोहन कोंस जैसी कई रागों की रचना भी की। आपने कुछ चलचित्रों काबुलीवाला, गोदान, अनुराधा इत्यादि में भी संगीत दिया। आपके प्रमुख शिष्यों में पंडित उमाशंकर मिश्र, जया बोस, शंभुदास, गोपाल कृष्ण, शंकर घोष, कार्तिक कुमार तथा आपकी स्वयं की पुत्री अनुष्का के नाम उल्लेखनीय हैं। पंडित रविशंकर को राष्ट्र का सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान 1999 में दिया गया। पंडित रविशंकर को भारत रत्न से अलंकृत किए जाने पर अभिभूत उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने कहा, बनारस की मिट्टी ने रविशंकर जैसा लाल दुनिया को दिया है। सरकार ने उन्हें उनके जीवन काल में सम्मानित कर बहुत ही खैरम कदम किया है। विख्यात गायिका गिरिजा देवी रविशंकर को अपना चहेता कलाकार मानते हुए उनके सम्मान को काशी परंपरा का सम्मान मानती है। राजन साजन मिश्र के अनुसार पंडित जी विश्व में भारतीय संगीत के राजदूत हैं। पंडित रविशंकर के असाधारण योगदान की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। भारतीय संगीत तथा भारतीय संस्कृति के राजदूत की भूमिका निभाते हुए उन्होंने विदेशों में जो लोकप्रियता प्राप्त की वह अकाल्पनिक है। बीटल जॉर्ज हैरिसन ने वर्षों पहले
उनका शिष्यत्व ग्रहण कर सितार सीखना प्रारंभ कर दिया था। यहूदी मेनुहिन उनके प्रशंसक व सहयोगी हैं। भारत में उनके अनेक शिष्य हैं, जिसमें उमा शंकर मिश्र, शशि मोहन भट्ट व ग्रेमी अवार्ड विजेता विश्व मोहन भट्ट के नाम उल्लेखनीय हैं। आज हमने पंडित रविशंकर, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक, इनका जीवन परिचय जाना और उनका संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, ये भी हमने चर्चा की। पढ़े, आप इसको पढ़ें, याद करें। नेक्स्ट सेशन में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।